बैठ जाइए। आरएसएस के हैं क्या? दबता तो ऐसे ही है। नारायण, कुछ मान भाव आजकल के कहा करते हैं, वेदादि शास्त्रों में वर्ण का उल्लेख तो है, जाति का उल्लेख नहीं है, ऐसा पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन भगवद गीता के पहले अध्याय का ही अनुशीलन करें तो जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अच्छा, योग दर्शन का अध्ययन करें तो प्रारब्ध भाग्य दैव अदृष्ट के तीन फल होते हैं मुख्य, जाति आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म। अब जन्म को तो मानते ही है ना, जन्म तो मानना ही पड़ेगा ना। हमारे आपके शरीर में मस्तिष्क भी है, हृदय भी है, गुदंड भी है, पेट भी है, पांव भी है, मलमूत्र त्याग के संस्थान भी हैं। पांच मुख्य अंगों से युक्त हमारा आपका शरीर है। सबके कार्य पृथक पृथक हैं। किसी के कार्य में कोई विकृति आ जाती है तो जीवन यात्रा दुर्लभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं संकेत करता हूँ, सप्तद्वीपा मेदिनी के एक क्षत्र जो सम्राट हुए, आजकल तो भौगोलिक धरातल पर 6 द्वीप लुप्त हैं, केवल क्षार सिंधु से परिवेष्टित जम्बू द्वीप ही शेष है, बाकी 6 द्वीप तो लुप्त हो गए। सप्तद्वीपा मेदिनी के एक क्षत्र रघु दिलीप आदि जितने सम्राट हुए, अच्छा भगवान राम जी ने राम राज्य की स्थापना की, उनके समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति की व्यवस्था थी या नहीं? जाति को मानने वालों ने ही तो राम राज्य दिया, धर्म राज्य दिया। 70 वर्षों से जाति का खंडन करने वालों ने तो जाति के नाम पर उन्माद ही फैलाया। अच्छा, पृथ्वी जन्म से पृथ्वी है, जल जल जन्म से जल है, तेज जन्म से तेज है, वायु जन्म से वायु है, आकाश आकाश से जन्म से ही आकाश है, आकाश का भी जन्म होता है। तब इनकी विभाजक रेखा को लुप्त कर देंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? हाथ हाथ जन्म से ही हाथ है, नाक जन्म से ही नाक है, सिर जन्म से ही नाक है। हाथ पहले उत्पन्न होता है या हाथ का काम पहले उत्पन्न होता है? न्यायिकों की दृष्टि से भी पहले कोई द्रव्य उत्पन्न होगा, अपना अस्तित्व लाभ करेगा, तब तो गुण या क्रिया का आश्रय बनेगा। तो हाथ पहले उत्पन्न होता है, हाथ के कर्म बाद में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जाति व्यवस्था को न मानने पर, बहुत सूक्ष्म तथ्य में बता रहा हूँ, धैर्यपूर्वक सुनिएगा, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हों, इसकी इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है, इस पर विचार कीजिए। फिर मेरा वाक्य सुनिए, पूरे विश्व को चुनौती है, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प हर मनुष्य को सदा संतुलित रूप में सुलभ हो, इसकी वैज्ञानिकतम विधा का नाम ही सनातन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था है, समझ गए? इसको न मानने पर आर्थिक असंतुलन, आर्थिक विपन्नता, आर्थिक वैषम्य स्वभाव सिद्ध है, पूरा विश्व इसका शिकार है। मुगल शेख सैयद पठानचार विभाग मुसलमानों ने अपने यहाँ पाल के रखा है। अच्छा, भारत के मुसलमान कितनी भी डिंग मारे, वो जो मक्का मदीना में वो क्या नमाज अदा कर सकते? छोड़ दीजिए, ये जो दिल्ली में कौन है, जम्मा मस्जिद में, अरब राष्ट्र की परंपरा के मुसलमान ही नमाज अदा कर सकते हैं, और कोई अदा नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कि जिस जाति व्यवस्था ने हमको राम राज दिया, धर्म राज दिया, उसको कोसने से काम चलेगा? उसको न मानने से तो सारी विसंगतियां हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये तिब्बत के व्यक्ति जब तक छात्र धर्म का पालन करते थे, चीन नतमस्तक रहता था। जब बौद्धों की दिशाहीन अहिंसा तिब्बत में आ गई तो चीन ने उसको दबोच दिया। जब तक हमारे यहाँ छात्र धर्म सुरक्षित था तब तक हम सुरक्षित थे, जब से छात्र धर्म में न्यूनता आई तब से विस्फोट हो गया। इसलिए जो वरदान था और है उसी को अभिशाप के रूप में घोषित करना, ये तो हमारे मुंह से अंग्रेज का बोलना है। इस पर विचार करना चाहिए। उत्कर्ष के हेतु को अपकर्ष मान लेना, ये तो दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। अब एक प्रश्न और।